बात करेंगे बायोचार के बारे में, बायोचार, चारकोल और कोल इस बारे में, और ये आपका एग्रीकल्चर में, आपकी खेती में किस तरह से आप इसका उपयोग ले सकते हैं और इसके कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपने चारकोल आपने देखा होगा, ये जैसे आप चारकोल देख पा रहे हैं, आपके जो घर में जो भी लकड़ी होती है, या इसको जब लकड़ी को जब जलाते हैं और उसको पूरा ना जला के बीच में इसको बुझा दिया जाता है पानी डाल के, तो उस तरह का कुछ एक आपके पास चारकोल तैयार हो जाता है। और कोल के बारे में, कोल बनने में काफ़ी काफ़ी समय लग जाता है कि कोल एक जीवाश्म है, जीवाश्म मतलब फॉसिल फ्यूल है इस तरह का, तो उसे कई हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में। और ये एक प्राकृतिक एक प्रक्रिया, एक नेचुरल एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये आपका जो कोल वो बनता है। और तीसरा जो हम बात करने वाले हैं आज बायोचार के बारे में, तो बायोचार एक कार्बन रिच, ये भी एक कार्बन का ही एक सोर्स है, और ये कार्बन रिच एक आपका मटेरियल है जिसके अंदर आपका काफ़ी अमाउंट के अंदर, मतलब कि इसमें मोर देन आपका 70 to 80% इसमें कार्बन रहता है, इसमें फिक्स कार्बन काफ़ी ज़्यादा रहता है, अप टू इसमें 80% तक इसमें फिक्स कार्बन रहता है। तो दोस्तों, इसे बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है आपका, जैसे आप ओपन फायर करके या आप खुले के अंदर जला के लकड़ी को, और उस तरह से आप इसका चारकोल बना सकते हैं। लेकिन बायोचार के अंदर आपको बिल्कुल ही कम ऑक्सीजन या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन के अंदर आपको बायोचार, इस तरह का आप एक प्रोसेस आपकी बनती है, प्रोसेस से ये तैयार होता है। ये बायोचार का आपका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है? तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले कि ये कार्बन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो इसके लिए आपको, जैसे कि आपको सॉइल के अंदर आपका कार्बन का लेवल अगर कम है, तो वहाँ ये बहुत ही अच्छा आपका एक विकल्प हो सकता है आपका कंपोस्ट को लेके। आप इसे कंपोस्ट के साथ में मिला के साथ में काम में ले सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप और भी किसी, जैसे फर्टिलाइजर के साथ में या किसी और आपके मैन्योर के साथ में आप इसे मिला के काम में ले सकते हैं। और दोस्तों, इसका फ़ायदे क्या है कि फ़ायदे इसमें एक कार्बन का सोर्स के साथ साथ में इसमें काफ़ी इसका सरफेस एरिया होता है, मतलब कि जहाँ ये डालेंगे तो वहाँ का ये काफ़ी जो दूरी के अंदर ही फैल जाता है, और वहाँ पे आपका जो भी वाटर है, मतलब कि आपका जो पानी है, आपके जो भी न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर आप जो डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर, और वहाँ के साथ साथ में आपका जो भी और भी, जैसे आपकी जो बफरिंग का, मतलब कि आपकी अगर मिट्टी में अगर किसी तरह के कुछ सॉल्ट है तो उसको भी ये अपने अंदर या एक इसको सेपरेट कर देता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का भी काम करता है ये आपकी साथ मिट्टी। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपके जो भी अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये होल्ड कर सकता है, तो ये प्लांट को लंबे समय तक आपके न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है और प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, बायोचार का एक बहुत ही अहम एक जो उसका उपयोग है वो है आपका मिट्टी के अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आपका बैक्टीरिया, फंगस और जो भी आपका डिकम्पोजिंग, जो भी आपके डिकम्पोजर है, उनकी पॉपुलेशन में हेल्प करता ही है। मतलब कि आपका जहाँ अगर बायोचार का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ आपका जो माइक्रोबियल लाइफ है, आपकी जो राइजोस्फीयर है, मतलब कि प्लांट के जो आसपास में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल, उसकी संख्या को ये बढ़ाता है। दोस्तों, बायोचार का उपयोग क्यों करना चाहिए, उसका एक कारण है, और वो है आपका कि ये सबसे पहले तो आपका ये काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका न्यूट्रिएंट के लिए, आपका मिट्टी के अंदर जो आपकी पानी की जो होल्डिंग क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायो फर्टिलाइजर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आने के लिए। साथ ही साथ इसमें अगर चारकोल की हम बात करें, चारकोल क्योंकि एक इसका एक इको फ्रेंडली एक विकल्प नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन फायर करके बनाया जाता है और पर्यावरण को काफ़ी इससे नुकसान होता है, लेकिन पायरोलिसिस करके जो बायोचार जो तैयार होता है वो एक कम्प्लीटली एक आपका इको फ्रेंडली एक उत्पाद बनता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है। आप वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, पूरी दुनिया भर में भी बायोचार काफ़ी काम में लिया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। तो दोस्तों और किसान भाइयों, आप भी इसे काम में ले सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। धन्यवाद।